पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 पर, और मे बी हो सकता है कि ये अंतिम और आखिरी वीडियो हो इस सीरीज की, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स की बात की थी जिनके लुक्स काफ़ी हूबहू एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थे, और मे बी ये वाले कैरेक्टर्स लास्ट 5 कैरेक्टर्स हो जिनके लुक्स और पावर्स बाकी के अदर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स से काफ़ी सिमिलर हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर है जो एक दूसरे से सिमिलर हूबहू एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा थैंक्स कि तुमने इतने सारे कमेंट किए पार्ट 4 के लिए। तो इस लिस्ट में जो पहला कैरेक्टर है वो है फोरआर्म्स, हम बेंटन फैंस में से कईयों का फेवरेट, और वो बिलोंग करता है दो अलग अलग यूनिवर्सेस के दो डिफरेंट कैरेक्टर से, जिनमें से जो पहला है वो बिलोंग करता है पोकेमोन से। पोकेमोन का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मैचअप, जिसका लुक फोराम से काफी ज्यादा सिमिलर है, वो आप इस क्लिप में देख सकते हो। और इसके अलावा मोर्टल कॉम्बैट में दिखाए गारो और किंटारो का लुक भी बहुत ज्यादा सिमिलर है फोराम से, जो फोराम हमें बेन 10 अल्टीमेट इंडियन में देखने को मिला था। पर रियली अगर फोराम हमें कभी लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलता तो उसका लुक कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता था। मदद का हाथ चाहिए, मेरे पास जान है। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर है वो बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स से, जिसका नाम है आंट मैन उर्फ वास्प, जो नैनोमैक्स से डिप्टो मैच खाता है, जहां इनका लुक्स पावर और इनका सूट एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर तो है ही, तो वहीं इनके बिहेवियर को देखकर लगता है कि ये एक दूसरे के काफी करीबी रिश्तेदार हैं। इसके बाद जो कैरेक्टर हमारी लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर है वो है बेंटन का वैम्पायर एलियन, जो मार्वल यूनिवर्स के बैरन ब्लड से काफी ज्यादा सिमिलर है, जहां दोनों का लुक पावर और दोनों के कॉस्ट्यूम भी एक दूसरे से सिमिलर तो है ही, साथ ही साथ जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है वो है इनके कलर्स, जहां बैरन ब्लड का कलर थोड़ा पर्पल है तो वहीं अपने वैम्पायर का कलर थोड़ा सा ग्रीन है। पर अगर हम कलर्स को बीच में से हटा दें तो ये दोनों एक दूसरे के जुड़वे भाई लगते हैं। मेरा नाम है वैम्पायर। नंबर 4, और इस पोजीशन पर बेंटन के दो एलियन एक ही पोकेमोन से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए थे, क्या तुम इनके नाम बता सकते हो? चलो फिर मैं बताता हूँ, कॉफिन वो पोकेमोन है जिससे इंस्पायर होकर बेंटन के दो एलियन बनाए गए थे, जहाँ जो पहला एलियन था उसका गट रूप जिसका लुक काफी ज्यादा सिमिलर था कॉफिन से, और यहाँ पर इसकी पावर भी कॉफिन से डिक्टो मैच खाती थी, तो वहीं जो दूसरा एलियन था वो था अल्टीमेट ग्रेविटेक के ये तीन प्लैनेट्स, जिसके लुक डिक्टो कॉफिन से इंस्पायर थे। और जो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये मनगढ़ंत बात है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये ऑफिशियली कंफर्म बात है कि पोकेमोन के इस कैरेक्टर से बेंटन के दो एलियन इंस्पायर थे। नंबर 5, और हमारी लिस्ट का आखिरी कैरेक्टर जिसकी सभी पावर्स वैसे तो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, पर इनके लुक्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन और बेंटन 1000 की, जहाँ इन दोनों के लुक्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, और इनको लेकर सोशल मीडिया पे कई सारे मीम्स भी बनाए गए थे इनके लुक्स की सिमिलरिटी को देखते हुए। और रियली अगर इनके लुक्स को ध्यान से देखा जाए तो ये एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके अलावा कैप्टन नेमेसिस का जो सूट है वो आयरन मैन से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था, जहाँ पर जो कैप्टन नेमेसिस का रोल भी था वो एक रिच पर्सनैलिटी था, और यहाँ पर जो कैप्टन नेमेसिस की पर्सनैलिटी थी वो भी रिच थी बिल्कुल आयरन मैन की तरह, और कई सारे फीचर जो कैप्टन नेमेसिस के सूट में थे वो आयरन मैन के ही सूट से इंस्पायर होकर बनाए गए थे, और रियली इन दोनों के सूट्स में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो फिर ये देखो। अब रुको, इतनी देर रुके ही हो तो एक और कैरेक्टर दिखाता हूँ चौक नंबर। तो देखो प्रोफेसर पैराडॉक्स
जो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन कैरेक्टर जैसे दिखते हैं। वैसे भले ही ये चारों एक दूसरे से सिमिलर ना हो, पर इनके जो लुक्स हैं, इनके जो कपड़े पहनने के तरीके हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। और हम में से कईयों ने इन सभी को बचपन में देखा है। तो देखो, ये हैं वो सारे कैरेक्टर्स जो प्रोफेसर पैराडॉक्स की तरह कपड़े पहनते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स इनकी तरह कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पर आज की वीडियो में आपका काम यह है कि आपको इन तीनों कैरेक्टर्स के नाम कमेंट में लिखने हैं। तो ये थे बेंटेन यूनिवर्स के वो कैरेक्टर जो बाकी के यूनिवर्स के कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। तो यहाँ फाइनली खत्म होती है ये छोटी सी वीडियो। तो जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स है, जाओ जाके देखो। अच्छा लगे तो लाइक करना, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी कैरेक्टर था जो इस लिस्ट में शामिल हो सकता था, तो मुझे उनके नाम नीचे कमेंट में लिखना। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई और इंटरेस्टिंग सी किसी नई वीडियो के साथ। कम ऑन टीम, चलने का वक्त है।